हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML क्या है, CSS क्या है और HTML के अंदर कितनी हेडिंग्स होती हैं। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म है वो एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। वॉट इज CSS? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की जो फुल फॉर्म है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। CSS यूज फॉर एडिंग स्टाइल सच एज फॉन्ट कलर एंड स्पेसिंग टू वेब डॉक्यूमेंट। अब HTML और CSS की एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझ सकते हैं, मीन्स के एक घर बनाने के लिए हमें ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है और उन ब्लॉक्स की मदद से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब उस स्ट्रक्चर को मज़ीद डिज़ाइन करने के लिए हम कलर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम CSS समझ सकते हैं। अब मज़ीद आते हैं HTML की हेडिंग की तरफ। हेडिंग डिफाइंड द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मीन्स के जिस तरह से कॉपी में हेडिंग्स होती हैं तो अब HTML की हेडिंग्स को भी इस तरह से समझ सकते हैं। देयर आर सिक्स हेडिंग्स इन HTML। HTML में सिक्स हेडिंग्स होती हैं। अब HTML की जब हेडिंग्स की हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो चलो चलती हैं अब एग्जांपल की तरफ। तो गाइस, हम अपने सबलाइम टेक्स्ट में आ चुके हैं। हम अपनी जितनी भी कोडिंग करेंगे सबलाइम टेक्स्ट में ही करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप सबलाइम टेक्स्ट को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप मेरी उस वीडियो को देख के सबलाइम टेक्स्ट को ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सबलाइम टेक्स्ट में आने के बाद हम सबसे पहले फ़ाइल में आइए और न्यू फाइल लीजिए। न्यू फाइल लेने के बाद अपनी फाइल को सबसे पहले सेव कीजिए। आप अपनी फाइल को कहीं भी सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। उसके बाद आप फाइल नेम दीजिए index.html.html। जो मैंने टाइप किया है ये HTML की एक्सटेंशन है, इसे HTML की एक्सटेंशन कहा जाता है। तो फाइल को सेव कीजिए। अपनी फाइल को सेव करने के बाद आप शिफ्ट और लेस देन प्लेस करेंगे तो देखिए इस तरह से कुछ सजेशन आ रही है। तो आप HTML टाइप करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से HTML का स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। तो अब मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक बिगनर हैं तो आप अपने सबसे पहले आप इस HTML के स्ट्रक्चर को खुद टाइप कीजिए, क्योंकि जब आप आगे दो चार लैंग्वेजेस पढ़ लेंगे तो आपके पास आपको ये खुद ही HTML का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस HTML के स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कीजिए टाइप करके। अब ये टाइटल क्या है? टाइटल मीन्स कि हम अपने वेबसाइट को क्या नेम देना चाहते हैं। तो जो मेरा ये टॉपिक है वो HTML हेडिंग पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी HTML हेडिंग। टाइटल देने के बाद हम अपने बॉडी में आएंगे। HTML का जितना भी हम स्ट्रक्चर लिखेंगे वो HTML की बॉडी में लिखेंगे यहाँ पे। तो HTML की सिक्स हेडिंग्स होती हैं। तो हम शिफ्ट दबा के लेटिन दबाएंगे H1, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर HEA, हेडिंग 1, लेस देन फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो खुद ही हेडिंग क्लोज हो जाएगा। ये HTML का क्लोजिंग टैग कहलाता है। उसके बाद इंटर करके लेस देन H2, ग्रेटर देन हेडिंग 2, क्लोजिंग टैग H3, इसको ओपनिंग और इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। H4 हेडिंग 5 ये ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग कहलाता है। अब हम देखेंगे कि HTML की सिक्स हेडिंग किस तरह से दिखती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने गूगल की तरफ। तो देखिए ये फाइल जो है मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था। राइट क्लिक करके गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद हम देखेंगे देखिए किस तरह से ये हेडिंग दिखती हैं। तो हेडिंग नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो हेडिंग नंबर 1 है वो सबसे लार्ज है और हेडिंग नंबर जो 6 है वो सबसे स्मॉल है। तो इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में अब हम देखेंगे कि इन हेडिंग्स को हम किस तरह से कलर और स्टाइल दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।